हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश आईटी क्लासेस। मैं सुनील कुमार आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ए लेवल एंड ओ लेवल एग्ज़ाम जनवरी 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट 5 ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं इस YouTube चैनल में हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन व्यू। जो हमारा सिलेबस है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग, दैट मीन्स IWD का, उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू के लिए। दूसरी टॉपिक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड इन प्रीवियस ईयर। जो पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर एग्ज़ाम पर्पस के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट हम एग्ज़ाम पर्पज़ से देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रोटोकॉल्स को देखेंगे और उसके पोर्ट नंबर को भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रोटोकॉल और उसके पोर्ट नंबर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और फिर फाइनली हम वीडियो के एंड में टिप्स एंड ट्रिक देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। कुछ हम टिप्स देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, सही बने, नंबर अच्छे हैं, स्कोर अच्छे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन व्यू। तो फर्स्ट टॉपिक है पूरे बुक को मैंने एनालाइज़ किया, तो बुक को एनालाइज़ करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है HTML एंड JavaScript प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें पहला क्वेश्चन ही HTML से मिलेगा आपको। तो HTML बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके सारे टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट टैग है वो है एंकर टैग, मार्क्यू टैग, हेडिंग टैग, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम HTML की कोडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस JavaScript से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और लैंग्वेज है हमारा CSS, जो वेब डिज़ाइनिंग का जो वेब पेज होता है उसको स्टाइल देने के लिए, उसका लुक देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो CSS से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें कम आते हैं। HTML और JavaScript से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। JavaScript हम क्यों यूज़ करते हैं, तो पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। HTML के थ्रू तो हम पेज को स्टैटिक बनाते हैं, बट JavaScript के थ्रू हम पेज को डायनेमिक बनाते हैं, इसलिए ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्किंग एंड टोपोलॉजी। हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके क्या टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे वर्ड है टेक्निकल वर्ड, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोपोलॉजी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे मैंने नीचे लाइन में लिख रखा है लैन, मैन, वैन, ये जो नेटवर्क के टाइप्स हैं, वर्कस्टेशन क्या होता है, DNS सर्वर क्या होता है, स्टार, मेस और रिंग, यहाँ पे ये जो है स्टार, मेस, रिंग, ये टोपोलॉजी के टाइप हैं। डेटा फ्लो भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें हम डेटा कैसे फ्लो कर रहे हैं, हमारा यूनिडायरेक्शनल हो रहा है या हाफ डुप्लेक्स हो रहा है, फुल डुप्लेक्स हो रहा है, इसके टाइप्स क्या है डेटा फ्लो करने के लिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। इन सब से क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में है या तो सब्जेक्टिव में है, शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके जाना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। ये जो हमारा
मॉडल है ये नेटवर्क में जो भी हम फाइल सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तो कौन कौन से लेयर से होके जाता है, उन सारे लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। OSI मॉडल में 7 लेयर है, 7 लेयर के पूरी फंक्शनैलिटी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लेयर्स टू 7 लेयर तक जितने भी लेयर हैं उन प्रत्येक लेयर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स आना चाहिए लिखने, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अपने अपने तरीके से रिपीट कर करके पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से, बट जो मेन है ये OSI मॉडल आएगा ही आएगा। TCP/IP मॉडल है, ये भी नेटवर्क का मॉडल है, इसमें भी इसमें 4 लेयर होते हैं, इन 4 लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कब लॉन्च हुआ था ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क डिवाइस, जो हमारा इंटरनेट नेटवर्क है, नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और ये जो डिवाइस है ये कौन से लेयर पे वर्क करते हैं। जैसे OSI मॉडल की मैं बात करूँ तो इसमें 7 लेयर है, तो 7 लेयर में राउटर कौन से नंबर पे वर्क करता है, ब्रिज किस लेयर पे वर्क करता है, रिपीटर किस लेयर पे वर्क करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि राउटर एंड ब्रिज में क्या डिफरेंस है, रिपीटर एंड हब में क्या डिफरेंस है, राउटर एंड स्विच में क्या डिफरेंस है, गेटवे क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये कितने नंबर लेयर पे वर्क करता है, इन सारे टॉपिक्स को आपको करके जाना है, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब भी करके जाने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स एंड इट्स पोर्ट नंबर। हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है उस एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं और ये प्रोटोकॉल्स के कितने नंबर पोर्ट हैं। पोर्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में पोर्ट नंबर अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है SMTP, FTP, HTTP, इन सारे वैसे जो इम्पोर्टेंट मैंने प्रोटोकॉल लिख रखा है, वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रोटोकॉल हैं उसके बारे में मैंने कुछ दे रखा है। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कितने लेयर पे वर्क करता है ये भी पता होना चाहिए, TCP और UDP ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको करके जाना है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, इस पर डिफरेंस भी आ सकते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो है फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफी, कॉपीराइट, डिजिटल सिग्नेचर, प्राइवेसी। हम डेटा जब सेंड कर रहे हैं तो हम सिक्योरली सेंड करें, क्योंकि बीच में हैकर्स बैठे होते हैं हमारे डेटा को करप्ट करने के लिए, डेटा चुराने के लिए, तो हम उन सब हैकर से, थर्ड पार्टी से हम कैसे बचाएं, इसके लिए हमें सिक्योरिटी के लिए अपने नेटवर्क को सिक्योर करना पड़ता है, और इसके लिए इन सारे टॉपिक्स को करके जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई आना ही आना है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कि प्रीवियस लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फायरवॉल इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या है, एक्सप्लेन सेवरल टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल के कितने टाइप्स है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, ये क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। वैसे मैं बता दूँ फायरवॉल सिक्योरिटी के पर्पस से यूज किया जाता है, अब इसके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं, इस पर ब्रीफली शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये है व्हाट इज TCP/IP, एक्सप्लेन द TCP/IP मॉडल लेयर नेटवर्क, नेटवर्क जो हमारा है उसमें TCP/IP मॉडल क्या है, इसमें कितने लेयर है, उन सारे लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है, उन लेयरों में कौन कौन सा डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उन डिवाइस का क्या फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन FTP, SMTP, MIME एंड DSL।
ये मैंने ऊपर पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में आ रखा है FTP क्या होता है, SMTP क्या होता है, MIME क्या है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को आपको कर लेना अच्छे से, ये आते हैं, किसी भी ग्रुप में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाए या डिफरेंस के रूप में पूछे जाए या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, ये आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन HTML वर्सेस जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ जावा स्क्रिप्ट और HTML में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में नोट्स लिखने हैं। एंड जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे दो टाइप्स के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक तो है HTML वर्सेस जावा स्क्रिप्ट एंड जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे आपको करके जानने हैं। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और HTML जो है वो आपका तो स्टैटिक है। तो इन सारे का डिफरेंस आपको करके जाने हैं, अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्रिएट एन HTML पेज टू डेमोन्स्ट्रेट क्लिकेबल इमेज। एक इमेज क्रिएट करना है जो क्लिकेबल इमेज हो। तो ये क्लिकेबल इमेज कैसे बनेगा, तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनेगा। तो हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। डायनेमिक बनाने के लिए मैंने फर्स्ट पिछले स्लाइड में बताया कि डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने हैं जिसके थ्रू एक क्लिकेबल इमेज बने। इमेज पे मैं क्लिक करूँ तो कोई एक्शन हो, इस टाइप का कुछ पेज क्रिएट करने आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी से क्या फ़ायदा है, इसकी क्या एडवांटेज है, और एक्सप्लेन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये दो टाइप्स की की है, अब इसकी क्या यूज़ है, कैसे यूज करते हैं, इसमें सिमेट्रिक भी आता है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आता है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स आपको करके जाना है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है ये भी कर लेना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब आपको अच्छे से तैयार होकर के जाना है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन। ये तीनों जो है नेटवर्क है, लैन नेटवर्क मैन नेटवर्क, लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन फॉर मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। थर्ड जो है वैन, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों टाइप्स के नेटवर्क के बारे में डिफरेंस क्या है, इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी रेंज क्या है और इनकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इन सबको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सबनेट मास्क से IPv4 का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस जो है IPv4 का ये क्वेश्चन है। IPv4 एंड IPv6 ये टू टाइप्स के नेटवर्क आईडी होते हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है ये IPv4 से क्वेश्चन है, क्लास ए के सबनेट मास्क क्या होता है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 255.000 इज डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए। ये सही है, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है यही होता है 255.0.0.0। IPv4 में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी भी होते हैं। तो इन सारे क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लास ए की नेटवर्क आईडी की रेंज क्या है, बी की कितनी है, इस तरह से आपको IPv4 के और IPv6 इन दोनों के बारे में अच्छे से तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पॉप POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक और प्रोटोकॉल होता है जो होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल है ये ईमेल के लिए यूज किया जाता है। पॉप जो है POP ये सर्वर, जो ईमेल सर्वर होता है वहाँ से हमें फाइल रिसीव करने के लिए होता है इनकमिंग के लिए, एंड SMTP जो होता है वो फाइल को सेंड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज इनकमिंग ईमेल सर्वर। यस सही है, ये इनकमिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूडीपी इज यूज्ड वेयर द एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीवर साइड मस्ट बी नीडेड। यहाँ पे कह रहा है यूडीपी जो प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इस कह रहा है कि क्या एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। तो यूडीपी की जो फंक्शनलिटी है ये रिलायबल नहीं है, इसमें एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी नहीं है, बट टीसीपी जो यूज होता है उसमें एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो इसलिए इसमें एक्नॉलेजमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। यूडीपी को हम यूज़ करते हैं स्पीड अप के लिए, तो स्पीड में अगर एक्नॉलेजमेंट आएगा फिर जाएगा तो इसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूम होंगे, बट हमें स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए हम यूडीपी यूज़ करते हैं, तो इसमें एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर 24। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेलनेट जो प्रोटोकॉल है क्या इसका पोर्ट नंबर 24 है? नहीं, जो टेलनेट है वो 23 नंबर पोर्ट पे वर्क करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इसका गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्ट नंबर ऑफ ईमेल इज डैश। अब ईमेल का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? तो ईमेल बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेंड करने के लिए, यहाँ पे अगर कोई सेंडिंग और रिसीविंग नहीं लिखा है तो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर जो है वो होता है 25, इसलिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे 25। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड किए जा रहे हैं, एंड डिफरेंस। तो कुछ ऐसे नेटवर्क में टर्म है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ डिवाइसेस हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ इस तरह से है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल कैसे होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हमारा जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, तो ये ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही शॉर्ट में नेम है ई कॉमर्स, उसी को बोलते हैं, तो वो कैसे वर्क करता है, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में करना है। नेट इक्विटी जो हम टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। ये नेट इक्विटी ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप अच्छे से करके ही जाना, नेट इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर करके जाना, नेट इक्विटी है क्या, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी करके जाने, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड PPP पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर। ये जो E एंड F नंबर है ये हमारा नेटवर्क का आर्किटेक्चर बताते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो इसे आप करके जाना है, इस पर डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछे जाते हैं, 5 नंबर के आते हैं, इसे भी कर लेना। डिजिटल सिग्नेचर, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आजकल जो कुछ भी यूज़ किए जाते हैं वो सारे डिजिटल सिग्नेचर के लिए के थ्रू ही हो रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से करके जाना। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ ब्राउज़र के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा जो सर्च इंजन होता है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरह के, तो उसमें कुकीज़ होते हैं, उसके बारे में आप कर लेना, कुकीज से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक्स लिख रखा है जो सिमिलर होते हैं, डिफरेंस किस में पूछे जाते हैं, डिफरेंस अक्सर उनमें पूछे जाते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है बट माइनर डिफरेंस होता है, और उन्हीं डिफरेंस में आपको बताने होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है मेटा सर्च इंजन एंड सर्च इंजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सर्च इंजन दोनों तो सर्च इंजन ही है, बट मेटा सर्च इंजन क्या करता है, और सर्च इंजन जो नॉर्मल सर्च इंजन होता है उसमें उसकी क्या
पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट है IPv4 एंड IPv6। अब दोनों तो नेटवर्क आईडी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या लेंथ है, इनकी क्या एग्जिस्टेंस है, ये कितने ब्लॉक में डिवाइड है, इन सबको आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, लॉजिक एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिक एड्रेस को ही हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, जैसे IPv4 एंड IPv6 को हम लॉजिक एड्रेस कह सकते हैं। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो फिजिकल एड्रेस हर डिवाइस का अपना अलग होता है। जैसे मैक एड्रेस हम इसको बोलते हैं, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों एक ही बात है। तो मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस उसकी लेंथ क्या है, लॉजिक एड्रेस है तो उसकी लेंथ क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, मैक एड्रेस क्या वर्क करता है, इन सब के बारे में आपको डिफरेंस बताने हैं। नेक्स्ट जो है ये कुछ प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, जैसे ARP प्रोटोकॉल, RARP प्रोटोकॉल, TCP एंड UDP, HTTP एंड HTTPS। ये जो भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। और ये इन दोनों का काम सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, उन्हीं डिफरेंस को आपको यहाँ पे बताना है और ऐसे अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है राउटर एंड स्विच। ये दोनों नेटवर्क डिवाइस हैं, जो नेटवर्क में यूज होने वाले डिवाइस हैं। और इस तरह के जितने भी नेटवर्क में डिवाइस हैं, उन सारे डिवाइस के आपको करके जाने हैं। इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये नेटवर्क डिवाइस किस लेयर पे वर्क करते हैं, इनके बारे में भी आपको करने हैं। सारे नेटवर्क डिवाइस के आपको करके जाने हैं या अच्छे से। पॉप, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। इसका पोर्ट नंबर 110 होता है। SMTP ईमेल को सेंड करने के लिए होता है, और POP ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये डायनेमिकली IP एड्रेस असाइन करने के लिए होता है। इसकी पोर्ट नंबर 67 एंड 68 होता है। FTP की मैं बात करूँ तो FTP में भी दो एड्रेस है, पोर्ट नंबर है 20 एंड 21। एक जो एड्रेस होता है, जैसे मैं FTP की बात करूँ तो FTP में 21 जो पोर्ट नंबर है, ये कनेक्शन बनाने के लिए होता है। इस पोर्ट नंबर से हम दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन ओरिएंटेड कर कनेक्शन बनाते हैं। और जो 20 पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी हमारे और सेंडर रिसीवर के बीच में कोई आए ना, कोई डेटा रिसीव ना कर ले। इसलिए सबसे पहले मैं कनेक्शन क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पे दो पोर्ट क्रिएट होती है, एक 21 एंड 20, 21 कनेक्शन बनाने के लिए एंड 20 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। वैसे ही डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP में भी वर्क होता है, 68 कनेक्शन करने के लिए और 67 डेटा के लिए। नेक्स्ट जो है वो है DNS, डोमेन नेम सर्वर, ये पोर्ट नंबर 53 पे वर्क करता है। तो ये जो पोर्ट नंबर की लिस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस 5 ईयर में बार बार रिपीट होने वाले हैं। और इन सब से आते हैं, और जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। HTTP क्या फंक्शनलिटी है, कैसे वर्क करता है, कितने पोर्ट नंबर है, किस लेयर पे वर्क करता है, इस तरह से इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है टिप्स एंड ट्रिक, तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम तो अच्छा चला जाता है बट रिज़ल्ट सेटिस्फिकेशन नहीं होता, हम रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होते, तो कैसे हमें लिखना चाहिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है, एग्ज़ाम चेक कॉपी चेक करने वाला होता है, वो पढ़ता कम है। अगर डायग्राम बना हुआ है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप डिस्क्राइब किए हो, तो वो डायग्राम देख के ही आपको नंबर दे सकता है। आपको डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से क्लासिफाई किया होना चाहिए, उसका नोटेशन सही होना चाहिए, जो भी आप
लाइनिंग करके नोट कर रहे हो उसके पार्ट के बारे में जो, तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से ड्राइंग होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट ऑन पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट। तो जो भी आपने डायग्राम क्रिएट किया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट लिखो, ऐसा ना कि पूरी लेंथी कहानी लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी मेन टॉपिक है मेन पॉइंट है उस पॉइंट को आप हर लाइन में पॉइंट बाय पॉइंट बताओ, जिससे एग्जामिनर पढ़ने में भी सुविधा हो, तभी तो वह अच्छा नंबर देगा, वरना उतना लेंथी पढ़ेगा ही नहीं फिर नंबर ही नहीं देगा। फिर नेक्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, अगर आपको आंसर पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसे कर लो। अगर कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, या आपको लग रहा है कि मुझे इस पर डाउट है या आपको नहीं पता है, उसके लिए ये है कि आप सेंटेंस को पढ़ो और जो ब्लैंक है उसमें ऑप्शन को एक एक करके रखो, जो स्टेटमेंट को फुलफिल कर दे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ओ लेवल एंड ए लेवल एग्जाम होता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो उसमें जो फुल नंबर भरे जाने वाले होते हैं, जो वर्ड भरे जाने वाले होते हैं, उसका ऊपर टेबल दिया होता है क्वेश्चन के ऊपर, तो उसमें से आप उस वर्ड को आप फिट कर लो। ये काम लास्ट में किया जाता है, जो मुझे आ रहा है उसे आप कंप्लीट कर लो, अगर नहीं आ रहा है कन्फ्यूज़न है डाउट है तो बाकी जो वर्ड बच रहे हैं उसको आप फिल इन द ब्लैंक्स में रख रख के आप फुलफिल कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट बन गया कंप्लीट हो गया तो वही आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने सहपाठी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।